ऐसी पांच ट्रिक्स जिससे आपके चैनल में कॉपीराइट नहीं आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे, हम बताते हैं कैसे, और लास्ट में बताएंगे कि आपके चैनल के लिए आप रिएक्शन मीम कहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग भी इन ट्रिक्स को अपनाते हैं तो आपके चैनल में कॉपीराइट नहीं आने वाला है। आइए जानते हैं कौन सी है वो पांच ट्रिक्स। तो ट्रिक नंबर वन, जल्दी से मिस होशियार को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रिक नंबर वन, कभी भी उन चैनलों को अपनी वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मेंशन जरूर करें जिन चैनलों से आप वीडियो को डाउनलोड करते हैं। नंबर टू, अपने वीडियो में बीच बीच में मीम्स का जरूर यूज करें जो बहुत ही मजेदार और क्रिएटिव। नंबर थ्री, अपनी वीडियो में बड़े इफेक्ट के साथ साथ छोटे छोटे इफेक्ट्स का भी यूज जरूर करें। नंबर फोर, हमेशा वीडियोस का फेयर यूज करें जिससे कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा हो। नंबर फाइव, हमेशा अपनी वीडियो की स्पीड को ज्यादा रखिए, जैसे आप लोग वीडियो को एडिट करते समय वॉइस की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग हमेशा कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि जो आप बीच में लड़की वाला मीम लेके आते हैं, रिएक्शन वाला मीम, तो वो कहाँ से लेके आते हैं। तो पहले तो मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने डाउनलोड करके रखा था, वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा था यूट्यूब में। फिर मैंने बहुत कोशिश करी और मुझे उसका लिंक मिल गया। मैंने उसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया है, आप जाके वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टाइम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कॉमेंट में बताना आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी।